जेंट्स होने के नाते उनका हमारे घर में घुसना अवैध कहलाता है। घर में घुस के वो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं। ये मैं कह सुबह जब मैं रिपोर्ट लिखाने जाती हूँ तो 4 घंटे मुझे बिठाया जाता है थाने के अंदर। इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल, स्टेशन रोड अजमेर एंड अपोजिट सूचना केंद्र जयपुर रोड अजमेर। डीएम भवरलाल और डीआईजी पुखराज ये रात में 9:30-10 बजे हमारे घर के अंदर घुसते हैं। जब सोने का टाइम होता है उस दौरान वो एक चड्डा पहन के नंगे पांव बिना मास्क लगाए एक जेंट्स होने के नाते उनका हमारे घर में घुसना अवैध कहलाता है। घर में घुस के वो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं। ये मैं कह सुबह जब मैं रिपोर्ट लिखाने जाती हूँ तो 4 घंटे मुझे बिठाया जाता है थाने के अंदर, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है और दिलासा देकर मुझे घर भेज दिया जाता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो। ये सरकार और ये जो जनता है, ये बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जनता अपने जो न्याय मांग रही है उसके लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो। ये घटना 4 जून की है, 4 जून की रात्रि 9 से 10 के बीच की घटना है। रात्रि के अंदर एक SDM भंवरलाल नंगे पैर चड्डा पहने बिना मास्क के और CRPF के DIG और उनका भंवरलाल का बेटा नंगे पैर पूरी फैमिली बिना मास्क के करके कोरोना महामारी को देखते हुए उसके कुछ परवाह ना करते हुए गेटों को तोड़ के रात में घर में घुसते हैं और महिलाओं कपड़े फाड़ते हैं, अनंग कर देते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। फिर महिलाओं के मोहल्ले वालों को बीच बचाव कराने के बाद वो छूट के भागते हैं और धमकी देके जाते हैं कि पिस्तलों से तुमको मार दिया जाएगा और इनको इतना मारपीट करने के बाद चले जाते हैं। और जब हम गन थाने में आके इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण हमने जाकर न्यायालय के अंदर इसका इस्तगासा दायर किया, उसमें 156(3) के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, दर्ज होने 164 के बयान हुए। अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है और धमकी दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। इनकी ऊंची रुसवात है, इनसे ऊंचे पदों पर लोगों के हमारे पास दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। DIG और SDM रैंक के बंदे तो यही महिलाओं से अत्याचार करते आए, करते रहेंगे। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है गिरफ्तारी के लिए और DIG साहब के लिए। कहाँ से आए हम? चमुंडा कॉलोनी CRPH2 5 करोड़ शक्ति सिंह। आज हम कलेक्टर महोदय और SP साहब को एक घटना से अवगत कराने आए हैं कि उनके प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और प्रशासन का जो दुरुपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसी से शायद आज इनको अवगत करा दिया जाए और शायद आम जनता को कोई न्याय मिल जाए। जैसा कि 4 जून की घटना है कि SDM भंवरलाल रूपनगढ़ और DIG CRPF ने एक महिला के कपड़े फाड़ कर अभद्र व्यवहार किया और गलत दुस्साहस किया, लेकिन जनता के बीच बचाव से वो कृत्य बच गया और एक परिवार शर्मसार होने से बच गया। और ये सारी घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई और इसकी जब घटना को लेकर हम गंज थाने पहुँचे और FIR दर्ज कराना चाहा तो आपको पता है पुलिस प्रशासन बहुत मैनेज था, उन्होंने FIR की कॉपी भी नहीं ली, कोई एप्लीकेशन भी नहीं ली। फिर हमारे पास कानूनी प्रक्रिया के तहत हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में जब वो पेश किया गया एविडेंस तो उसके आधार पर जज महोदय ने आदेश दिए कि इसकी FIR काटी जाए गंज थाना को और 164 के बयान लिए जाए, जो कि FIR दर्ज हुई, 164 के बयान हुए और अब गिरफ्तारी की मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें लगता है कलेक्टर महोदय साहब और SP साहब जिस तरीके की इनकी आभा मंडल है कि आम जनता के लिए खड़े होंगे और कुछ ना कुछ कार्रवाई का आज हमारे को होनी चाहिए, जैसे कि क्योंकि आम जनता है और एक महिला का मैटर है जो कि एक महिला, एक परिवार और एक अजमेर, राजस्थान सब जगह के लिए अपना कॉमन है। तो हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनके साथ जो गलत हरकत हुई है उसके साथ पूरा शहर खड़ा हुआ है। आज मेरा आग्रह है कलेक्टर महोदय से भी कि जल्द से जल्द तुरंत से तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दे, अन्यथा इस कार्यक्रम को उग्र किया जाएगा और पूरे पूरे शहर के हर चौराहे पर कार्यक्रम को प्रसार और प्रसाव किया जाएगा। विनीत कृष्ण पारिक।